गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज है संडे। सो गाइस, आपकी फरमाइश थी कि मैम हॉस्टल टूर पे वीडियो बनाओ, सो आज मैं हॉस्टल टूर पे वीडियो बनाऊंगी। अभी बारिश हो रही है, नहीं तो मैं आपको अभी बता देती। सो जैसी बारिश रुकती है मैं आपको पूरा हॉस्टल दिखाऊंगी, और आपको जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए सुबह की शुरुआत करते हैं भगवान जी के साथ। सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ सुबह का ब्रेकफास्ट में आज बनाया मैक्रोनी। वैसे अल्टरनेट डेज पे यहाँ पे परांठे बनते हैं या तो मैक्रोनी बनती है, तो आज है मैक्रोनी डे। तो चलिए खाते हैं। सो गाइस, जब तक बारिश हो रही है तब तक आपको मैं अपने रूम का व्यू दिखाऊंगी और रूम के बारे में बताऊंगी, कितने एक रूम में कितने लोग रह सकते हैं और सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कबर्ड्स हैं, 3 कबर्ड्स होती है एक रूम में, 3 कबर्ड्स होती हैं, ठीक है। एक रूम में वैसे तो 4 पर्सन रहते हैं, बट कबर्ड्स सिर्फ 3 हैं, तो आपको इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है एक पर्सन को, जो सबसे लेट आता है ना उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे बेड नॉर्मल घरों जैसे ही होते हैं, जैसे घरों में रहते हैं, जिसके अंदर हम सामान भी रख सकते हैं। एक चेयर मिलेगी, इसमें आप अपनी नोटबुक रख सकते हो, और ये स्टडी टेबल मेरा पर्सनल है। क्या आप इसे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ सिल रही है, इसका कंबल साइड कट गया है, सो ये उसको सिल रही है। वो क्योंकि घरों में तो मम्मियाँ कर लेती हैं ये सारे काम, पर हॉस्टल में आपको खुद ही करना पड़ता है ये सब कुछ। कि एक रूम में 3 कबर्ड्स होती हैं, बट हमारे रूम में एक एक्स्ट्रा है। ये लड़की को बड़ी मुश्किल से मिली है इसको ये कबर्ड, के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है मैम से, वार्डन मैम से। ये मेरी 3rd रूममेट है, ये पढ़ रही है, अभी लिख रही है, वैसे पढ़ नहीं रही है। और ये देखिए इसकी क्रिएटिविटी। चलिए पढ़ रही है, इसको डिस्टर्ब नहीं करते। ये देखिए वहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो जब तक बारिश होती है तब तक मैं अभी अपना काम कर लेती हूँ। तो जब तक बारिश हो रही है तब तक मैं थोड़ा पढ़ाई कर लेती हूँ, कॉलेज का काम कर लेती हूँ। सो गाइज, अभी दिन के 1 बज गई है और अब मेरा खाने का टाइम हो चुका है। आप देख सकते हो पीली दाल बनी है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, पर मुझे यहाँ खाना पड़ता है, और मेरे को लगता है सारे हॉस्टलर को यहाँ मजबूरन खाना पड़ता है ये। मुझे भी बोला तूने, ले लिया मैंने, कौन सा वाला रूम ले ले। थैंक यू। सो गाइस, शाम हो चुकी है और अभी बज रही है 6 बज गई है, और मैं सो के उठ गई हूँ। मेरी आंखें आप देख सकते हो कितनी सूज गई है। तो चलो अब मैं आपको ना हॉस्टल दिखाऊंगी अपना, ठीक है। बारिश ना आज पूरे दिन भर रुकी नहीं, मैंने आपको बोला था ना मैं हॉस्टल का रिव्यू करवाऊंगी आपको, बट बारिश रुकी ही नहीं सीरियसली। सो अब मैं, बारिश हो रही है थोड़ा थोड़ा, बट मैं आ रही हूँ। चल सकती, बेचारे बच्चों के आई फ्लू से परेशान हैं बच्चे। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो ये है गार्ड रूम। गार्ड रूम में ना मतलब गार्ड अंकल रहते हैं और रखवाली कर रहे होते हैं हमारे, ठीक है, रात को भी रहते हैं वो। और ये है कॉलेज, स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग। चलिए, मेरी आज आवाज़ ना आपको मतलब वैसी अजीब सी हो गई है, हार्ड सी हो गई है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम पानी भरने आते हैं, और ये देखिए बारिश के दिन ही शायद मैं वीडियो बनाती तो बहुत ही। यहाँ पे देख सकते हो आप मंदिर है, आज यहाँ पे बारिश हो रही है ना, तो ये ग्राउंड ना बहुत प्यारा सा रहता है, हरा भरा सा, बट यहाँ पे अभी देख सकते हो आप कितना पानी भर चुका है। और यहाँ पे देख सकते हो आप रोज की तरह ये ईंटें जिनके ऊपर ये चलेगी अभी धीरे धीरे,
और मैं तो ऐसे नॉर्मली चलूंगी, ऐसे ही चलते हैं इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पानी ना भर जाता है। और तो और क्या बताऊँ, ये हॉस्टल देख सकते हो आप, ये हॉस्टल ना 3 मंजिल है हमारा, ठीक है। उसके बाद चलिए अंदर देखते हैं। मेरी आवाज़ ना पूरी वैसी हो गई है सोने के बाद ना, मतलब हार्ड अजीब ही जाती है, ठीक है गाइस। तो ये एंट्री हो चुकी है हॉस्टल की, ये वार्डन मैम का रूम है। एंट्री करते ही ये छत पे जाने की सीढ़ियाँ हैं, अभी चलेंगे हम यहाँ से, ठीक है। और ये दूसरा रास्ता है छत पे जाने का, और यहाँ देख सकते हो आप। चलिए थोड़ा मैस में होके आते हैं, यहाँ पे आप खुद को देख सकते हो, ठीक है। चलो, बच्चों की फरमाइश थी मैम, हॉस्टल दिखाओ, हॉस्टल दिखाओ, अरे कुछ बोलो सकती। ये है मैस, देख सकते हो आप, और ये है चाय जो कि मैंने मिस कर ली है शाम की, आप खाने का टाइम हो चुका है। ये आंटी लोग हैं, अंकल लोग हैं। अंकल जी कैसे हो, खाना क्या बना रहे हो आज? क्या बना रहे हो? ओ मटर पनीर। ब्लॉग यूट्यूब है, अभी आऊंगी सब्सक्राइब करवाने। सो गाइस चलते हैं, अंकल जी से मिल चुके हैं, अब हम चलेंगे छत के ऊपर। आपने बोला ना अभी आज तो मटर पनीर बन रही है, संडे को बहुत रोज ही नया नया बनता रहता है। आपने देख लिया होगा सुकृति का रूम, ये देखिए सुकृति का रूम, ये क्या कर सो यहाँ पे छत पे चलते हैं। अच्छा आजा जल्दी। सो अब हम जाएंगे छत के ऊपर, तो आप रेडी हो गाइस? आप रेडी हो सुकृति? यस। सुकृति तो चुप ही हो गई है, जब से उसको आई फ्लू हो गया ना तब से वो चुप ही हो गई है कुछ। क्या माउथ फ्लू? ये कब आया? अभी तक हम ग्राउंड फ्लोर में थे, अब हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुके हैं। और देखो आप, बारिश हो रही थी ना यहाँ पे, तो बच्चों ने देखो कैसे कपड़े टांगे हुए हैं अपने। चलो चलो ये है सेकंड फ्लोर, छत पे आप प्यारे प्यारे नज़ारों के साथ। सो गाइस देख सकते हो आप, बारिश हो रही है और फिर भी हम छत पे घूम रहे हैं, देख रहे हैं। सॉरी, अभी मैं आपको छत दिखाऊंगी, काफ़ी बड़ी छत है, आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है गाइस। बारिश होने वाली है, मुझे यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा जल्दी जल्दी, आ जाइए। और यहाँ देख सकते हो आप, बोर होने के लिए यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन है। और ये देख सकते हो आप, मैं तो जा रही हूँ अब नीचे क्योंकि मैं बारिश में नहीं रह सकती। आप ऐसे देख लो, यहाँ भी है। चल चल चल, बारिश में बुखार आ जाएगा फालतू में। गाइस ऐसे फ्लू डेंगू सब कुछ हो रहा है बच्चों को। गिर गई और अब गिर भी गई, बच गई गाइस, लग रहा है आपकी दुआएं काम कर रही है। ये देख सकते हो इतना बड़ा सा छत, और यहाँ देखो। चल आजा, गिरने पापा गिर गए थे आज। बहुत ही प्यारी सी इन्फॉर्मेशन बताओ सिक्योरिटी, कि यहाँ पे बाथरूम है और वो भी बिना दरवाजों के। यस, और ऐसे बाथरूम है ना नली नहीं है। यस, गांव में सही थी। गाइस अब हम थोड़ा रूम में जाते हैं, फिर इसका ओवर कर देते हैं। ये वॉशरूम है, देख सकते,
बस इतना ही दिखा सकती हूँ। वॉशरूम के अंदर प्राइवेसी मेंटेन रखनी होती है क्योंकि ये गर्ल्स हॉस्टल है। ये देखिए गाइस, गाइस ये तीनों आज परेशान है। फाइमा का चश्मा टूट गया है, बेचारी का चश्मे के ऊपर बैठ गई है। तो थोड़ा भगवान जी को याद किया जाए, 7 बज चुकी है और हमारे खाने का टाइम भी हो चुका है। सो आज मटर बन रहा है, तो देख सकते हो आप ये फाइमा की प्लेट है, ये मेरी प्लेट नहीं है, उसने चावल भी लिया था। सो ये देख सकते हो आप पनीर और मटर, भर भर के पनीर दी है फाइमा को। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।